रुको रुको दोस्तों, आज मैं आपको डॉग दिखा रहा हूँ, ये वैसे भी बहुत कम हो चुके हैं भैया। रीजन क्या है ये कम हो चुके हैं आजकल? बुल मैस्टिफ इन जनरल आई वुड से उनकी पॉपुलैरिटी काफी रिड्यूस हो गई है, बिकॉज आई डोंट नो, पीपल नॉर्मली गो आफ्टर ट्रेंडी ब्रीड्स, गोल्डन रिट्रीवर, शिह त्सू, जो भी कोई सेलेब लेता है, जो भी कोई फिल्म में फीचर होता है। जिस टाइम पे ये दिल धड़कने दो में ये ब्रीड आई थी, या रॉकी में सिल्वेस्टर स्टलोन के साथ आई थी, इट बिकेम क्वाइट फेमस। अब ये ट्रेंड नहीं है, मोस्टली पीपल गो आफ्टर द वायरल ब्रीड। रॉटवाइलर है तो सभी रॉटवाइलर लेंगे, बट पर्सनली अब मैंने कहा वर्किंग डॉग्स बहुत हो गया, मैंने आपको ये परफॉर्मिंग डॉग्स, ट्रेनिंग डॉग्स, वर्किंग डॉग्स बहुत दिखाए। ये है वो असली ब्रीड जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, इसी वजह से मैंने डॉग ट्रेनिंग स्कूल और इसी लाइन में मैं घुसा था। सबसे पहला मेरा डॉग बुल मैस्टिफ ही था, लाली बिंदर अंकल और विक्रम बिंदर भैया ने मेरे को दिया था अमृतसर से, मैं पर्सनली जाके उसको लेके आया था, उसका नाम था होमर। ये मेरे लोगों में बुल मैस्टिफ ही है। ये है लूना, ये भी एक बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन ड्यूराबल की ब्रीडिंग से है, परवेज़ आलम खान बहुत ही रेनाउंड बुल मैस्टिफ ब्रीडर हैं उनके। अभी अभी इसकी हमने मीटिंग करी है विद द डायरेक्ट सर्बियन इम्पोर्ट, विच मीन्स दैट वी आर स्टिल बिल्डिंग ब्लड लाइंस इन पेट डॉग्स एंड शो डॉग्स। भैया इसका क्या हिस्ट्री क्या रही बुल मैस्टिफ? बुल मैस्टिफ मेरी फेवरेट ब्रीड इसलिए है क्योंकि ये एक नेचुरल गार्ड है। यूके में जो बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट रिजर्व्स होते थे वहाँ पे हंटिंग होती है, पोचिंग जैसे यहाँ पे भी बहुत होती है, तो एक ऐसी ब्रीड थी जो हमारे पैरों में सोए, लेजी हो, तंग ना करे, बच्चों के साथ बिल्कुल सही है, बट जब कोई जानवरों को हंटिंग करने आता है, पोचिंग करने आता है, तो ये सीधा जाएगा ये ब्रीड, ये उनको लिटा देगा। इनका खासियत क्या है कि ये लिटाने के बाद डिफेंड करते टाइम बाइट नहीं करते। इसका मतलब है कि मेरे फॉरेस्ट में अगर कोई चोर आया है और ये उस पर चढ़ गया तो ऑब्वियसली वो चोर हिल तो पाएगा नहीं, बट ये उसको काटेंगे नहीं कि वो चोर मुझ पे वापस ही ना केस कर दे कि जी मैं तो गुजर रहा था और इसने हमला कर दिया। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन डॉग है कि कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, फ्लैश नहीं काटेगा, कोई इंजरी नहीं देगा, बट तब भी ये इतना भारी और इतना प्रोटेक्टिव है कि किसी भी चोर को जाने नहीं देता। और एक स्पेशलाइजेशन में बताता हूँ कि ये पूरे दिन लेजी रहेगा, बट आप मेरे सामने से मेरा कोई आइटम लेके भागोगे तो ये मेलिनॉय की स्पीड दिखा के आपको कुचल देगा। सो इट्स फॉर मी अ परफेक्ट होम सिक्योरिटी डॉग, बट आपको पहले 2 साल इसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि रख के पाल दिया सिर्फ शो ऑफ के लिए निकाला, अदरवाइज देन दिस डॉग कैन बी डेंजरस एज वेल। थोड़ा सा आपको इसका स्किन का और इसकी जनरल हेल्थ का मेंटेनेंस इसका प्रीमियम लेवल का रहता है। इट्स जस्ट नॉट द काइंड ऑफ डॉग जिसको ला के रख दिया और बांध के पाल दिया, इट रियली नीड्स गुड केयर। पीपल थिंक इट्स अ बिग डॉग तो बाहर रखना है, दिस इज़ प्योरली एन इनडोर ब्रीड, ये कैनल्स में ज़्यादा नहीं रहते, ये इनडोर में ज़्यादा खुश रहते। और कोई भी है इसकी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी? इसकी स्पेशल केयर बस आपको खाना काफ़ी खिलाना पड़ेगा, इसको बड़ा लार्ज डॉग है। अदरवाइज फॉर मी इट्स द बेस्ट फॉर सिटीज़, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बिकॉज ये सोता है, इसको 10 मिनट से ज़्यादा वॉक की ज़रूरत नहीं है। कभी मैं उठा, मैं लेजी हूँ, मुझे वॉक का मन भी नहीं किया, तो दिस इज़ अ वेरी फॉरगिविंग ब्रीड, मतलब ये आपको माफ़ कर देगा अगर आप एक्सरसाइज ना कराएं। अगर आप लैब को एक्सरसाइज ना कराएं तो आप एक गलत हैंडलर हैं। कोई भी आपने दूसरी ब्रीड हमारे सेंटर में देखी है वो बिना एक्सरसाइज के पागल हो जाएगी। ये इतनी लेजी है कि कभी कभी आप एक दो दिन ना भी कराएं, बट डोंट टेक माय वर्ड कि अब आप जिंदगी भर ही उसके एक्सरसाइज नहीं करा रहे। इट्स अ लेजी ब्रीड विद लेस एक्सरसाइज, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, लॉट ऑफ डिसिप्लिन। दोस्तों ये था बुल मैस्टिफ, आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने बुल मैस्टिफ रखा हुआ है या लेना है। और ये थे K9 से अदनान खान, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।